चलने जाने वाला है। तो ये देखो ये मेरा नोट्स है, ये अच्छे तरीके से फ्रेम मैंने लगाया है, इतना सुंदर लग रहा है, और इसके लिए मुझे प्राइस दो। हाँ तो गाइस दिस इज गौसिंग, आप जो स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस आज वीडियो में क्या बात करने वाले होंगे, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में एडुकेटिश में, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है क्लास 9 से रिलेटेड, क्लास 10 से रिलेटेड और क्लास 11 से रिलेटेड, ठीक है। तो आज वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, आज वीडियो में बात करने वाले हैं टर्म 1 के बारे में कि नोट्स हमें कैसे बनाने चाहिए, ठीक है। देखो ये वीडियो जो है वो सबके लिए होने वाली है, ये सिर्फ क्लास 9 10 11 के लिए नहीं है, छोटे बच्चों के लिए मीन्स 8 है, 7 है, 6 है, ठीक है, मतलब जो भी नोट्स बनाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ स्पेसिफिक क्लास के लिए, सबके लिए वीडियो, ठीक है, क्योंकि नोट्स तो सब लोग बनाते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नोट्स हमें कैसे बनाने हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया आपके तो एक वीडियो है नोट्स वाली, ठीक है, अब आप दूसरी बार क्यों बना रहे हैं? तो देखो पहली बार तो ये समझो कि देखो नोट्स हर एक तरीके से बनता है, ठीक है। नोट्स जो कुछ होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, कुछ होते हैं जिनकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब जैसे कि तुम्हारे क्लास में एग्जांपल लेते हैं, अगर एक एवरेज बच्चा है तुम उसके नोट्स पढ़ोगे कि टॉपर बच्चे के नोट्स से पढ़ोगे, ठीक है। भले एवरेज बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी है, ठीक है, उसने भी वही कंटेंट लिखा है, बस उसका लेकिन एक मेंटालिटी है ना हमारे में कि एवरेज स्टूडेंट है तो उसका मतलब अच्छा नहीं होगा, टॉपर है तो इसके नोट्स लेंगे, ठीक है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि तुम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, ना ही तुम एवरेज के लो, ना ही तुम टॉपर के लो, तुम लोग खुद के लो, तुम खुद एक टॉपर बनो, ठीक है, खुद के अंदर एक टॉपर सको, ठीक है। तुमको कैसे नोट्स बनाने हैं कि आखिर अगर टॉपर बना रहा है इतने अच्छे नोट्स तो कैसे बना रहा है वो नोट्स, ठीक है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, चैनल पर नई भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन मारना ना बोलना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं। पहली बात, अगर नोट्स बनाने हैं तो उसकी ज़रूरत है कि नहीं, पहली बात तो ये कि हमारा जो टर्म 1 आने वाला है, ठीक है। देखो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, वो है तुम्हारे सबके लिए, ठीक है, लेकिन टर्म 1 आया, यहाँ पे सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, तो नोट मेकिंग भी चेंज होनी चाहिए, ठीक है। अगर सारी चीज़ें चेंज हो रही, देखो जब जमाना बढ़ता है तो जमाना बदलता है तो उसके साथ हमको भी बदलना पड़ता है, ठीक है, हमको भी मॉडर्न होना पड़ता है। देखो पहले एशियन टाइम में देखो तुम आज देखो, ठीक है, तो तुम मॉडर्न हो ना, मॉडर्न हो, ऐसा नहीं तुम पिछले के हिसाब से चलो, एंशिएंट के हिसाब से, ठीक है। फूल पत्ते कोई पहनता है आज? नहीं पहनता, सब जीन्स पैंट पहनते हैं, ठीक है, जीन्स है, शर्ट है, ठीक है। तो मॉडर्न हो तुम लोग, ठीक है, समय के साथ बदल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो वैसे ही हमें भी हर एक चीज़ के साथ बदलना होगा, जब तुम्हारा सिलेबस बदल गया, बुक्स बदल गई, ठीक है, मतलब बुक्स में कंटेंट बदल आया थोड़ा सा, और तुम्हारा जितना तरीका है पढ़ने का वो भी बदल गया है, ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया, ठीक है। तो अब ये क्यों नहीं बदलेगा, ये भी बदलेगा, ऑनलाइन नोट मेकिंग ये भी बदलेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ज़रूरत क्या है इसकी टर्म 1 में, क्योंकि टर्म 1 तो हमारा MCQ होने वाला है भैया, उसमें MCQ की क्या ज़रूरत है, ठीक है, उसमें नोट्स की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये बात करें, देखो कोई भी एग्ज़ाम हो नोट बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो तुमको लाइफ टाइम काम देता है, भले तुम उसको पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन वो लाइफ टाइम काम देता है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे तुम्हारे MCQ में भी और तुम्हारे टर्म 2 में भी, जो कि सब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात आती है कि अगर इसकी ज़रूरत है कि नहीं, फिर बात आती है कि अगर ज़रूरत है तो क्यों ज़रूरत है, और ठीक है अगर ज़रूरत है भी तो फिर कैसे बनाएं, कोई नया तरीका, ठीक है। तो सारी चीज़ें बताएंगे, उससे पहले तो कुछ डाउट्स क्लियर करें। देखो जो तुम्हारे एग्ज़ाम होने वाले हैं सेप्टेम्बर और अक्टूबर में, ये तुम्हारे टर्म 1 एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। बहुत ढेर सारे डाउट आने कि तुम्हारे ये एग्ज़ाम है टर्म 1 है कि टर्म 1 नहीं है, ये टर्म 1 नहीं है। तुम्हारे जो टर्म 1 एग्ज़ाम होंगे 40 मार्क्स के MCQ के, ठीक है, वो तुम्हारा होगा नवंबर में। ये जो सितंबर और अक्टूबर में होने वाले हैं ये तुम्हारे स्कूल के एग्ज़ाम है, जो कि तुम्हारे जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये तुम्हारे स्कूल के ऊपर है वो कैसा करवाते हैं, ठीक है। तो चलो बात आते हैं हम नोट्स पे, ठीक है, इसकी ज़रूरत है कि नहीं, तो यहाँ पे ज़रूरत में क्या लिखेंगे, यस, ठीक है, ज़रूरत है हमें, ठीक है, नोट्स की ज़रूरत है। फिर क्यों है, तो देखो क्यों की बात बता देता हूँ मैं, तुम्हारा MCQ होने वाला है एग्ज़ाम, ठीक है, जो कि होगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो होगा, लेकिन तो तुम्हारा एग्जाम जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अब कैसे पढ़ोगे तुम, कहाँ से पढ़ोगे, क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे भैया हम तो, ठीक है, और ऑनलाइन गूगल से पढ़ेंगे, वहाँ पे MCQ दिए हुए हैं, ठीक है, और भैया मैंने भी दिए हैं 2000 प्लस MCQ, वहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ से कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है हार्ट एंड सोल, जो कि मैं पहले भी बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ और कल भी बोलूँगा और बोलता रहूँगा, क्या है तुम्हारी, तुमको पता है एडुकेटिस वाले जितने लोग हैं सब जानते हैं, वो है NCERT, ठीक है, NCERT हार्ट एंड सोल है। इसको अगर नहीं पढ़ा तो अलग तुम चाहे पढ़ लोगे तुमको समझ आएगा, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे तुम एग्ज़ाम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो NCERT के बेस पे आएगा, ठीक है। भले DSS से ईजी होती है NCERT, लेकिन
तुमको समझ ही नहीं आएगा वो रिफ्रेशर, ठीक है, रिफ्रेशर नहीं समझ, जब तक तुम इसको नहीं समझोगे तब तक आगे की जो एडवांस लेवल है उसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तुम जब स्कूल में जाते हो एडमिशन कराने, तो तुम नर्सरी से करवाते हो, मतलब जब पहली बार स्कूल जाते हो तो तुम नर्सरी से करवाते हो कि फिफ्थ क्लास से करवाते हो, सिक्स क्लास से करवाते हो, कोई नहीं करवाता, नर्सरी से ही कराते। कहाँ से स्टार्ट करें, हम बेसिक से स्टार्ट करें, ठीक है। बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम पास नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, वैसी ही चीज़ है। एनसीईआरटी अगर क्लियर नहीं होगी तो तुम रिफ्रेशर चाहे जितनी पढ़ डालो, चाहे जितने क्वेश्चन लगा डालो, नहीं क्लियर होने वाले, ठीक है, नहीं समझ आएगा, डाउट्स पे डाउट आएंगे, ठीक है। तो पहली बात तो हमें एनसीईआरटी से पढ़नी, एनसीईआरटी से पढ़ना तो हमें क्या पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले हमें बात आती है यहाँ पे थ्योरी इंपॉर्टेंट है। अब वो तुम एमसीक्यू दे रहे हो चाहे सब्जेक्टिव दे रहे हो, मैटर नहीं करता है, थ्योरी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। चैप्टर के 20 से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, चैप्टर के 20 से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब क्वेश्चन आने वाले तो यहाँ पे पहले ये बता दूं कि देखो नोट्स वाली बात है वो तो ठीक है, वो अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले ये भी डाउट क्लियर कर लो कि जो तुम्हारे टर्म वन एग्जाम होने वाले हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। किस ये तीनों क्वेश्चन तुम कर चुके हो, एमसीक्यू तो देते ही आते होगे, एजुकेशन रीजन पिछले साल दिया ही होगा तुमने, ठीक है, और केस बेस भी पिछले साल दिया है, पिछले साल से इंट्रोड्यूस हो गया है ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तुम्हें पता है किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। एमसीक्यू चार ऑप्शन होंगे, एक को सही लगाना होगा, एजुकेशन रीजन में एजुकेशन दिया है, रीजन दिया है, एजुकेशन सही है कि रीजन सही है, कि दोनों सही है, कि दोनों नहीं सही है, ठीक है, ये होगा। तीसरी चीज़ केस बेस हो गया, जो कि एक पैसेज होगा, पैसेज के कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे कि 5 to 6 क्वेश्चन होंगे, उसके चार ऑप्शन होंगे जो कि तुम्हें एक टिक लगाना होगा जो कि होगा सही। अब यहाँ पे ये केस बेस में ये बता दें कि ये इंग्लिश नहीं है कि तुम्हें पैरा के 20 आंसर ढूंढना, नहीं, तुमको पैरा से एक कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये गारंटी बिल्कुल नहीं दे रखी है कि तुम्हें केस बेस स्टडी जो क्वेश्चन जो पैसेज दिया उसी के बीच से आंसर उसी में आंसर दिया हुआ है ना, बिल्कुल नहीं ऐसा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें क्या करना है, केस बेस स्टडी क्वेश्चन को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होगा, एनसीईआरटी से, ठीक है, तो वहाँ से तुम्हें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। अगर इन तीनों चीज़ों को समझ गए हो तो आगे बढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है, यस, ज़रूरी क्यों है, अगर है तो क्यों है, मैंने तुमको बता दिया सब्जेक्टिव थ्योरी मैटर नहीं करता है, ठीक है, एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम मैटर नहीं करता है, थ्योरी मैटर करती है। अगर तुम इसको नहीं कर सकते हो, ठीक है, नहीं करोगे तो तुमको कोई 95% आने से नहीं रोक सकता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुमको ये बता दो, अगर थ्योरी नहीं करोगे तो तुम्हें 95% के ऊपर आएंगे बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे बात करते हैं थ्योरी की, ठीक है, तो थ्योरी तुमको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, थ्योरी तुमको पढ़नी ही पड़ेगी, तो थ्योरी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे 95% से ऊपर नहीं आने वाले, ठीक है। अगर इस चीज़ को तुमने क्लियर कर लिया है, थ्योरी इस चीज़ को तुमने क्लियर कर लिया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं, तब तुम कर लोगे, नहीं तो फिर 95% से ऊपर आने की सोचना मत, ठीक है। फिर बात आती है, चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो क्लियर होगी, अब बात आती है कैसे बनाएं। तो देखो यहाँ पे 3 पॉइंट बनाए जा रहे हैं, ठीक है, हर एक चीज़ के हिसाब से हमको डिस्कस करना होता है, हर एक चीज़ के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ता है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो है तुम्हारा पॉइंट। अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखो, ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें जैसे कि ये तुम्हारा स्टेटमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे है फिलिप्स, यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे लगा दो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स, अब तुम्हें नोट्स कैसे बनाने, पहले तुम्हें बताया था मैंने कि सिर्फ पॉइंट्स बनाओ, ठीक है, नोट्स बनाओ जो कि अंडरलाइन करो। अब यहाँ पे क्या चेंज करना है, तुम्हें फिलिप्स में डिवाइड करना है, ठीक है, फिलअप तरीके से बनाओ, दूसरा क्वेश्चन बनाओ, स्टेटमेंट लिखो, फिलअप बनाओ, फिर स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क लगा दो। तीसरी चीज़ जो तुम्हारी हो सकती और दूसरा जो तरीका है वो तुम्हारा जैसे कि एक स्टेटमेंट लिख दो, आगे लिख दो टी या एफ, ठीक है, टी या एफ मतलब ट्रू या फॉल्स, ठीक है, इस तरीके से तुम बना, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू है, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ वन वर्ड आंसर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें वन वर्ड आंसर के हिसाब से ही एमसीक्यू बनाने पड़ेंगे, मीन्स नोट्स बनाने पड़ेंगे, पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट तुम्हें कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है ऐसे, ठीक है, उसके भी अगर कुछ सब पार्ट्स है तो तुम ऐसे बना सकते हो, ठीक है, अगर इसका भी सब पार्ट्स है तो तुम ऐसे बना सकते हो, इसका भी सब पार्ट्स है तो तुम ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो ये तुम जानते हो फ्लो चार्ट कैसे बनता है, जैसे कि तुम्हें पता ही है, ठीक है, फ्लो चार्ट किस चीज़ में हेल्प करता है, सबसे ज़्यादा वो हेल्प करता है हमें इसमें डिफरेंस में, ठीक है, डिफरेंस में, अगर कोई भी दो चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब यहाँ पे तुमने इसके एग्जांपल लिखे, मतलब इसका पॉइंट्स लिखा है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, यहाँ पे तुमने उसके एग्जांपल लिखे हैं, यहाँ पे उसके फंक्शंस लिखे हैं, ठीक है, तो इस तरीके तुम ये डिफरेंशिएशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है तुम्हारा फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट तुमने क्लियर कर लिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं आखिरी चीज़ जो कि है तुम्हारा माइंड मैप, जैसे कि यहाँ पे हम एक चैप्टर लेते हैं इंडिया को, ठीक है, इंडिया का चैप्टर लिया,
यहाँ पे तुम्हें इस तरीके से माइंड मैप बनाना है। अब ये माइंड मैप थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, ठीक है, कैसे बनाना है? यहाँ पे एक गोला बनाओ, यहाँ पे एक गोला बनाओ, यहाँ पे एक गोला बनाओ, यहाँ पे गोला बनाओ, यहाँ पे गोला बनाओ और यहाँ पे गोला बनाओ, तुम्हारा नोट्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये गोले बनाने, इनके अंदर कंटेंट भी लिखना है। ठीक है, पहली बात तुम्हें यहाँ पे लिखना है जैसे कि इंडिया है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें इसके इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो पॉइंट लिखने, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, अब जैसे कि तीसरा दूसरे पॉइंट्स में ये जो इंडिया का साइज़ क्या है, जैसे कि जो कि है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तीसरे उसके मेजर पॉइंट्स लिख दो, यहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट, यहाँ पे मेजर पॉइंट, यहाँ मतलब जो पूरा चैप्टर का ओवरव्यू है वो तुम्हें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ तुम्हें चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में पता चल जाएगा, यहाँ तुम्हें पता चलेगा डिफ्रेंशिएशन के बारे में, और यहाँ भी तुम्हें पता चलेगा एमसीक्यू और तुम्हारा जो है ट्रू फॉल्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है एजुकेशन रीजन और केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, मतलब वो कहाँ से पता चलेगा कि ये तो फ्लो चार्ट है, ठीक है, इसमें से हमें कैसे पता चलेगा, वो तुम्हें पता चलेगा यहाँ से। ठीक है, ये है एमसीक्यू और ये है तुम्हारा ट्रू फॉल्स, ये है फिलिप्स, यहाँ से तुम्हें केस बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चन भी यहीं से पता चलेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, उसमें तो तुमको चार ऑप्शन भी दिए होंगे। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा जो एजर्शन रीजन है वो भी आएगा, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा एजर्शन रीजन के लिए, उसके लिए अलग कॉलम बना लेना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, या तुम ओसवार की एमसीक्यू बुक से, वहाँ से तुम देख सकते हो। ठीक है, उसी में से डायरेक्ट रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नोट करना चाहते हो तो तुम इसी में लास्ट पेज के लास्ट में या एंड में एजर्शन रीजन के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो पेज के लास्ट में एजर्शन रीजन के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो तुम यहाँ पे नोट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें मैंने तुम्हें बताया, तीन चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर इन चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो तुम नोट्स बना सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, और तुम 95% प्लस स्कोर कर रहे होगे। ठीक है, लेकिन ये तीन चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, और यहाँ पे पहली चीज़ तो ये बता दो भैया, ये जो हम बनाते हैं ना कि नोट्स के लिए बहुत अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, पेन अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ तीन पेन यूज़ करने हैं। ठीक है, सिर्फ तीन पेन यूज़ करने हैं। कौन कौन से पेन यूज़ करने हैं? पहला तुम्हारा डार्क हो गया, दूसरा हो गया तुम्हारा लाइट जिससे तुम कंटेंट लिखोगे, डार्क वाले से हेडिंग लिखोगे, और तीसरे वाले से तुम बीच का कंटेंट जो भी है मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन करोगे। तीन पेन से ज़्यादा नोट्स में मत लगाना, ठीक है, ये बेवकूफ़ी है। ठीक है, ऐसा जो तुम करते हो ना कि देखो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जो नोट्स है वो एग्जीबिशन में जाने वाला है, ये देखो ये मेरा नोट्स है, ये एकदम अच्छे तरीके से फ्रेम मैंने लगाया है, इतना सुंदर लग रहा है और इसके लिए मुझे प्राइस दो, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं, इसके पीछे मत मांगना। ठीक है, कोई नहीं देखने वाला। देखो तुम्हें क्या करना है, तुमको ऐसे ही नोट्स बनाने, अपने आप को समझ लो, बहुत है, दूसरों को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया जहाँ भाड़ में उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम्हें अपने नोट्स के बारे में देखना, अपनी चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ऐसे उसके पीछे मत भागना, हैंड राइटिंग के पीछे या कलर पेन के पीछे मत भागना। मेन ऐसा करना लिखना चाहिए कि तुमको सारा चीज़ें समझ आ जाए, तुम्हारे मार्क्स कम ना आए, तुमको सारी जो चैप्टर को ओवरव्यू सारी चीज़ें तुमने नोट्स में नोट कर ली है। दूसरा, पेन तुम्हारे तीन चप पेन होने चाहिए, हैंड राइटिंग तुमको ऐसी होनी चाहिए कि तुमको समझ आ जाए, बस दुनिया के बारे में उसको समझ आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी हैंड राइटिंग और पेन के पीछे कलरफुल के पीछे मत भागना, कोई एग्जीबिशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बता दिया ये तीन तरीके हैं जो कि न्यूली एडेड हैं टर्म वन के हिसाब से। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ना भूलना, और अगर कोई भी टॉपिक है तो कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, उस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।